शादी नई नई होती है तो दो दो तीन तीन दिन तक झगड़ा होता है, नहीं मुझे भी नहीं बात करनी, मुझे भी नहीं बात करनी है। अच्छा। अब तो इतना टाइम हो गया, लगता है यार खत्म करो 5 मिनट में, कांट डील विद इट एनीमोर। पर हमने देखा हमारा हिंदुस्तान का कल्चर इतना ब्यूटीफुल है ना कि कितनी भी लड़ाई हो जाए सोने से पहले पति माफी मांग लेते हैं। शादी वाले दिन आपको देखना चाहिए था, मतलब मेरे परिवार वाले इसके पीछे दामाजी दामाजी खाने में कमी तो नहीं, अरेंजमेंट में कमी थी, मतलब इसके पीछे पीछे भाग रहे थे। और जिस चीज में कमी थी वो पूछा नहीं, उसको चुपचाप घूंघट में छुपा के मंडप पे बिठा दिया। मौसी तुझे शर्म नहीं आती अपनी से आधी उम्र के लड़के और आधी कमर के लड़के के साथ दोबारा शादी करते हुए? मैं क्यों करूं तुमसे शादी आधी लड़के आधी लड़के हैं? मैं करूं शादी? थैंक यू बाजी, मैं कैसे करूं? बाबा जी मेरी शादी नहीं हो रही है। मेरी नहीं हो रही है, आओ थोड़ी थोड़ी शादी करके आते हैं पहले। अरे छोड़ो, तुमसे शादी करने से अच्छा मैं कुंवारी ना मर जाऊं। मर जाना किसी गरीब के काम ना ना। और मरने के बाद भी तुमने चड़ेल बनना है, उसके बाद भी मैंने वश में करना है। क्यों बाबा को इधर उधर घुमा रही हो, पेट्रोल पहले बहुत महंगा हो चुका है। खैर बालिकाएं ते ही आप चिल्लाने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं छिपकली देख के चिल्लाने लगती हूँ, लेकिन डेफिनेटली मुझे छिपकली से डर लगता है। इसके पीछे क्या कारण है? बहुत सारी लड़कियां छिपकली से डरती हैं क्योंकि वो अचानक से आ जाती है ना। तो क्या महीने का नोटिस देके आए आपको? क्या मतलब आप छिपकली अचानक से आती है? डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूंगी बचाने की। ओके ओके, पहले मुझे आपकी फैमिली हिस्ट्री कुछ पता करनी है। आपके पिताजी कितने पढ़े लिखे थे? मेरे पिताजी पढ़े कम थे, लिखे बहुत ज्यादा थे। मतलब पेंटर थे। तो आप ये जो दीवारों पे लिखा हुआ पढ़ती ना, ये जो बिना ऑपरेशन के बवासीर का इलाज कराए, राशमि दवाखाना बस स्टैंड के पास बुधवार के नंबर मिले, वो पैसे का वो बच्चे पैदा कर रही है। किडिंग का मतलब है वो मजाक कर रही है। एक्सक्यूज मैडम, बच्चे पैदा करना मजाक नहीं होता, समझ में आया ना? एक बच्चा पैदा करके देखो सारी फिगर यू टर्न ना मार गई। मैं उन्हें इंग्लिश सिखाने आई हूँ। आप सिखाती हैं इंग्लिश? अगर ऐसी चीजें इंग्लिश सिखाती हैं तो इंग्लिश तो भारी कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। नहीं You please continue. देखे आप हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। मैं शादी बचाओ फाउंडेशन से आई और मैं इनकी काउंसलिंग कर रही हूँ। आप हैं कौन? मैं इनकी बीवी हूँ। बीवी? जी हाँ। आपने तो कहा था कि आपकी बीवी आपको छोड़ के चली गई है। मैं तुम्हें कब छोड़ के चली गई? तुम कल स्टेशन जा रही थी, मैंने तुम्हें कहा नहीं मुझे रास्ते में छोड़ देना, तुम छोड़ के नहीं गई थी। I'm Champa. I'm a babysitter. Babysitter? इतनी खूबसूरती भगवान ने दी, बच्चों के ऊपर क्यों बैठती हो? बेबी सिटर वो होती है जो बच्चों का ख्याल रखती है। खराजी लाल के बच्चों के मैं ख्याल रखती हूँ। खराजी लाल के बच्चे का ध्यान रखती हो? यही ध्यान खराजी लाल का रखा था, बच्चा होता ही नहीं।